Hi guys, I'm back with another video. आज मैं बात करूंगी कि विरेचन कर्म आखिर है क्या. हो सकता है आप कोई ट्रीटमेंट लेने गए हों आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास और उन्होंने कहा हो कि आपको तो विरेचन कर्म कराना है. तो विरेचन कर्म इज बेसिकली वन ऑफ द प्रोसीजर्स इन आयुर्वेद जहाँ पे कि हम पित्त दोष को कम्प्लीटली निकालने की कोशिश करते हैं बॉडी से, जो कि विषम हो चुका है, जो कि आपको नुकसान दे रहा है और कुपित अवस्था में है ना, यानी कि आपको परेशान करने वाली अवस्था में है. तो पित्त दोष का जो बेस्ट टाइम है वो यही टाइम है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊं. मैंने पिछले वीडियो में भी मेंशन किया था सितंबर अक्टूबर का जो शरद ऋतु माना जाता है टाइम, उसमें अपन जो है पित्त दोष को निकालने के लिए काम करते हैं. इसमें स्टार्टिंग में क्या होता है, करीबन एक हफ्ते तक आपको भूख बढ़ाने की दवाई दी जाती है जिसे हम बोलते हैं दीपन पाचन. उसके बाद करीबन 5 से 7 दिन आपको घी पिलाया जाता है, जो कि नॉर्मल घी भी हो सकता है, गोघृत हो सकता है या फिर कोई मेडिकेटेड घी हो सकता है. फिर जब आपके डॉक्टर को लगेगा कि आप पूरी तरह माइक्रो सर्कुलेशन लेवल तक आपका घी बॉडी में एब्जॉर्ब हो चुका है, जो कि हम सुबह सुबह पिलाते हैं सूरज निकलने से पहले, फिर आपको जो है 3 दिन फॉलोड बाय द घृतपान पूरे बॉडी में ऑयलिंग होगा, अच्छे से मसाज होगा और स्वेटिंग कराते हैं, मशीन में आपको बिठाते हैं, उससे आपको पसीना आता है बहुत अच्छे से. अगर मशीन नहीं होती है, मौसम अच्छा है, तो धूप में भी बिठाया जाता है, लेकिन यूजुअली क्योंकि इस मौसम में धूप रिलेटिवली कम हो जाती है तो इसलिए प्रॉपर मशीन आती है सुडेशन की, पसीने आने की, तो आपको उसमें बिठा दिया जाता है और फिर आपको पूरे बॉडी से पसीना निकाला जाता है. फिर डिपेंडिंग ऑन द कमिंग ऑन द 9th डे आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग परगेटिव दवाई यानी कि दस्त लगने की दवाई दी जाती है, अगेन अर्ली मॉर्निंग, जिससे कि पूरे दिन में आपको मोशन आता है. वो मोशन को आपको काउंट करना होता है, उसका भी एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है और उसी हिसाब से हम देखते हैं कि जितनी बार मोशन आया उसी पैरामीटर को मापते हुए कितना आपका पित्त दोष प्रॉपरली निकल पाया है. अगर बहुत अच्छे से मोशन आया है तो आपका जो नंबर है मोशन का वो बढ़ता है, इससे वीकनेस भी आती है बॉडी में, कुछ पेशेंट्स को बड़ी दिक्कत भी आती है अल्टीमेटली, लेकिन इन द लॉन्ग रन जो असर होता है वो ये कि अगर आप प्रॉपर रेस्ट और प्रॉपर डाइट लेते हो तो विरेचन कर्म डज मिरेकल्स टू यू. अब जब परगेशन हो चुका है तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक हफ्ते की प्रॉपर डाइट पे रखते हैं पेशेंट को. उसमें सिर्फ हम आपको खिचड़ी वाली दाल और चावल से बनी चीज़ें ही देते हैं और उसका भी पैरामीटर होता है कि सुबह शाम अभी इसमें कितना पानी, कितना दाल और ये सब देना है. और फिर 8वें दिन आपको आधी रोटी या एक रोटी खाने को बोला जाता है, जो भी आपकी स्टेपल डाइट है वो आपको बोला जाता है कि आप वो लें. और विरेचन कर्म का इतना ड्रास्टिक रिजल्ट है आई वुड टेल यू, क्योंकि मैंने खुद भी कराया है इंटर्नशिप के टाइम. तो मुझे स्किन प्रॉब्लम थी, यहाँ पर एक बहुत ड्राई पैच बन गया था और मुझे नहीं समझ आ रहा था ये क्या है. इतना बिजी थे पढ़ाई में कि डॉक्टर को दिखाने का भी टाइम नहीं मिला, खुद हॉस्पिटल में होते हुए नहीं टाइम लगा, तो मैं कुछ अप्लाई करती रहती थी, उस पर नहीं उतना ध्यान गया. और फिर जब मैंने विरेचन कर्म लिया, सोच के कि चलो अभी थोड़ा इंटर्नशिप में है, फ्री है या समय है तो करवा लेते हैं, तो मैंने देखा कि जिस दिन मेरा मोशन वाला डे था कि मेरे को परगेटिव दवाई दी गई और फिर मैं ठीक हुई, वो वाइट पैच विद इन आई गेस विरेचन कर्म स्टार्ट किया तो उसके 10-15 डे पे वो गायब ही था, वो था ही नहीं. मोर ओवर मेरा ओवरी सिस्ट है तो माई ओवरी साइज वॉज 20, तो वो घट के नॉर्मल होना चाहिए 6-9 हम लेते हैं, वो घट के 10 पे आ गया था. वॉल्यूम जो था उसका 20 cc था और वो घट के 10 पे आ गया था. आई एम सेइंग दिस विद अ लॉट ऑफ कन्विक्शन एंड फेथ दैट इट रियली डज मिरेकल्स टू यू. अगर आप चाहें तो प्लीज़ गो फॉर इट गाइज एंड डू लेट मी नो हाउ यू लाइक माई वीडियो. थैंक यू.